मतलब आपको घड़ी साली तो, 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 <laughs> तो और फिर भी बुकिस सो अच्छा भाई साहब अहम सवाल है दोनों शहर के अंदर गली गली गड़ी, -गड़ी मोह पता तो आपते यो पांच का और छ का रोड़ा मुद्दा किस वार्ड का है देखो ये मुद्दा लोगों ने बना दिया और ये लोगों ने जो बनाया उसका धरातल आठ नंबर वार्ड को लिया पंजाबी सी हाँ, पंजाबी पंजाबी आए थे थे एमसी जी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए में जब पंजाबी एमसी जीत का छाया जी। तो इसका मतलब तो भी वोटिंग ठीक थी हमारी आज चौबीस हजार के करीब वोट है पंजाबी शहर का लोग अपनी उम्र से कम और अपनी उम्र से ज्यादा के लोगों के बीच में बैठते हैं जो मेहनत तो करता है लेकिन अपने इससे कम उम्र में बैठेगा उसमें मेच्योर नहीं आ सकती मेच्योर टीका ही सारा सिस्टम नमस्कार मैं आज भाया त्रिमूर्ति तो है को नहीं दो मूर्ति ज़रूर हैं एमएलए की दावेदार है और एमएलए एल ए है सुरेश अरोड़ा ग्रुप में और अनिल ताट पालिया ग्रुप में जो आज कहीं ना कहीं इन लोगों की रीढ़ की अड्डी हैं और सुरेश अरोड़ा छोटी काशी के अंदर अपने समाज के भी हीरे हैं और छोटी काशी के भी ईरे देखे जा सकते हैं तो आज बात खुल के समाज की फिर से अनिल काटपाली से और सुरेश अरोड़ा से भाई साहब समीकरण के बनाओगे सुनने में आवे कि आपका नेता एक छः के पाँच पाँच के छः करोड़ में सिस्टम में लग रहा है वो बात जहज है या फिर यह बात अवाई फुलाव है नमस्कार नमस्कार ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी निगाह में बात ना हो सत्रह अठारह अच्छा सालों में जो आज सिस्टम बना हुआ छः के पांच पांच के वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क एक ही समाज के एक नेतृत्व पे ने जा रहा क्या कहेंगे देखो ऐसा है समाज है में चर्चा हर चीज की होती है चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक काम हो अच्छा कुछ ना कुछ तो है जिसकी चर्चा है बोले के बताओ फिर है तो नेता बनाओ मैं उस दिन तो भी हटाता आज भी हटा दूंगा नो चपदेसी सूरज अरोड़ा है जिंदाबाद है समाज में सब कुछ है खुल के बताओ इससे कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा भाजपा को भी और उस नेता को भी नहीं अगर ये पूरी सीटें वापसी नहीं कर जाती तो भाजपा को भारी नुकसान होगा इससे इसमें कोई दो राय नहीं है और नेता नेताओं को भी नुकसान है जब पार्टी नुकसान में रहेगी नेता तो ऑटोमेटिक रहेगा जिस पे टारगेट बनेगा उसको भारी नुकसान है ये करना ही नहीं चाहिए था ऐसा है जब एक हम आप शहर की लीडरशिप की बात करते तो हमें वार्ड से क्या है और किसी वार्ड से लड़ लेते उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप अपने लीडरशिप किसी वार्ड से खड़े हो जाइए अगर आप अच्छे है आपने काम किया है आप पब्लिक के अंदर रहते तो किसी वार्ड से कोई दिक्कत तो नहीं लड़ने की लगा को नहीं यह तो नेता के लिए अगर मरोड़ ने दिखाई तो नेता किसे क्योंकि मरोड़ तो मरो की भी होया होती बताबे खुल गए इंडियन नेशनल लोक दल ने सुदेव पब्लिक के हितों के लिए काम तो किया बात करेंगे इंडियन नेशनल लोक दल की बात नहीं है अनिल भाई आज तो बात हुआ है मरोड़ की मरोड़ की बात आ गया मैं पहले आपने इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र इस मरोड़ के साथ किया मैं इंडियन नेशनल लोकदल का जो आप समय की बात कर रहे हो अगर आप कोई कार्य करते हो उसमें कोई अड़चन आती है जिससे पब्लिक को सुविधा होनी चाहिए और कोई अड़चन आई तो उसे दूर करना तो आप मरोड़ कहो तो अलग बात है लेकिन जिस तरह से आज के हालात विवाणी में कोई छः के पाँच या पांच के छः किए जा रहे हैं वो तो सीधा एक चीज दर्शाती है कि ये बुखलाए हुए हैं इनको ये लगता है कि कहीं ये मेरी दो गलियां कट गई और कहीं ये वार्ड मेरा बदली हो गया तो मैं बन नहीं पाऊंगा तो वो किसी नेता बनेगा वो तो बता दो यार जो नेता ही दो 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 दो, -दो वो के तो जंग और घबरा मछली की आग में तीर मारेंगे तो आप आप ही मानते हो ना उनको नेता अच्छा नेता तो मानते नेता ये मानते हैं क्योंकि नेता रखा हुआ है नहीं लेकिन आज के हालात जो आप आपके कैमरे भी दिखाते हैं और जो हकीकत है वो जब अपने वार्ड को ठीक करवाने के लिए अपने आकाओं के यहाँ हाजिरी मारनी पड़ती है उन्हें वो पब्लिक में काम क्यों नहीं करते किसी के एक व्यक्ति के कह देने से कोई नेता नहीं बनता और छत्तीस बिरादरी में जाना पड़ता है या के और जिस दिन या के जिस दिन जिस एक, एक, बात को नोट कर पब्लिक के बीच में जाओगे उस दिन इस बात का जवाब देना पड़ेगा और जहां तक आप अरोड़ा अरोड़ा जी जी को कह रहे हो जी तो एक आईने की तरह उसकी तस्वीर दिखाने का काम करते हैं अगर वो तस्वीर देखकर अपने आप को ये सोचे कि मेरे में ये कमी है मैं इसको सुधार लूं तो वो नेता बनेगा कोई ये देख ले कि आईने की तरफ देखूंगा ही नहीं तो मत देखे नहीं देखेगा तो कोई नेता नहीं बनता तो सुरेश अरोड़ा आईना है दिखावा है लेकिन दगन ने नगर क्या कहोगे ऐसा है मैं बताता हूँ जो इसका आप खुल, खुल के नहीं बताना लग रहे नहीं नहीं मैं खुल के बताता हूँ जहाँ तक जिसकी आप बात संदर्भ में कर रहे हो जिस लीडर की मैं उसको आज भी मानता हूँ बढ़िया लीडर है वो लेकिन क्या होता है कई बार आप मिस जजमेंट लेता है वो ऐसा नहीं वो जब एक दिन में चार या पाँच वार्डों में जाता है समाज सेवा रेगुलर तौर पर पिछले छः साल से तो नेचुरल उसमें नेतागिरी को क्वालिटी तो है ही लेकिन कई बार आदमी भावुकता में कई बार साथियों के सम, समझ में कोई काम एक हो जाता है? है जो मिसगाइड करने लग रहा है और भ्रमित होने लग रहे नेता कौन है चेहरे हैं नाम है बंदा है समाज है कौन है देखिए मैं आपको एक बार फिर बात बताऊ सच्चाई ये है कि इस समाज में वो बढ़िया लीडर बनेगा जो लोग अपनी उम्र से कम और अपनी उम्र से ज्यादा के लोगों के बीच में बैठते हैं जो मेहनत तो करता है लेकिन अपने इससे कम उम्र में बैठे तो उसमें मेच्योर नहीं आ सकते ये मेच्योर टीका ही सारा सिस्टम आपने एक बार दबी दबी आवाज में कहा था कि एकता नहीं होगी तो बात नहीं बनती तो एकता तो आपकी भी खिंडी खिंडी आना लग रही है कभी उस गली में कह दी इस गली में है। मैंने आपको उस टाइम भी कहा था कि जब समय आएगा इसका परिणाम देखना अब बहुत बढ़िया निकलेगा एकता भी होगी और एकजुट हो वोट भी पड़ेगा ये मैं आज भी दावे से कह रहा हूँ इस बात को अपने एक बात नोट करी थी कि शुरू से अरोड़ा अरो नेता थोड़ी बन जाए यह जवाब जवाब दो नहीं तो देखो इसका अपना विचार हो सकता है इसका अपना मत हो सकता है नेता तो आप देखिए नेता वो बनेगा जिसको पूरी पोलराइजेशन पूरी टीचिंग मिलेगी नेता तो हमने बनाए भी हैं और इसको भी पता है कि नेता भी बनाए हैं चेयरमैन भी बनाए हैं आज से नहीं कई योजना से बनाए हैं जिस पे उंगली टेक्की है उसी को चेयरमैन बनने कोशिश करी है बनाने की तो ऐसा नहीं है वो भी निकले आप लोग तो उंगली टेक्कन लाग रहे हो और वो उंगली का कितने गलत फ़ायदा भी उठना ला रहे है। और कितने बस पैसा से खो कौन लाग रहे नेता फिर उंगली टेकना फायदा के भाई या तो टेको तो ना टिको तो सही टेक दो दाप दो आगे ना बैठो ना दोनों सवाल है या दाप दो या फिर काम करो इकट्ठे इकट्ठे तो कथे नहीं मैं तो मेरे हिसाब से पब्लिक के बीच में रहता हूँ और इकट्ठा ही रहता हूँ और जहाँ तक आपने कहा कि अरोड़ा साहब आपके लिए कहा है मैंने वो अरोड़ा जी के लिए नहीं कहा तो? मैंने ये कहा था आपको मैं फिर दोहरा देता हूँ किसी एक व्यक्ति के बनाने से नेता नहीं बनता वो व्यक्ति तो उसे राह दिखा सकता है आईना दिखा सकता है वो काम अरोड़ा जी आज कर रहे हैं लेकिन अगर वो उस राह पर नहीं चलेगा तो जो नतीजा इन्होंने पहले अपनी जो काबिलियत से किसी को चेयरमैन बनाया किसी को पार्षद बनाया किसी का साथ दिया तो उसमें अपनी कामयाबी हासिल की लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर समय रहते उन्होंने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो इस बार शायद अरोड़ा जी की भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे सही बात है। नहीं अभी बहुत समय है समय के हिसाब से अभी जो वर्क चल रहा है ट्रैक पे आ जाएगी गाड़ी ऐसा नहीं है अच्छा अगर पंजाबी समाज की बात की जाए दोनों दिग्गज हैं और दावेदार हैं हर चीज़ के तो कितने गैदरिंग है कितने बोट हैं कितने गांव हैं कितने शहर हैं कितने के सौदा है बताऊँ पंजाबी समाज का पूरा यानी अगर चिट्ठा निकाला जाए चिट्ठी निकाली जाए भी, इतना यह सौदा हमारा देखिए मैं बताता हूँ आंकलन आप कीजिए मैंने सन उन्नीस में, में जब इलेक्शन लड़ा तो हम लोग छह एमसी पंजाबी आए थे एमसी हाँ पंजाबी थे जी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए 6 वार्डों में जब पंजाबी एमसी जीत का आया जी। तो इसका मतलब तो उस टाइम भी वोटिंग ठीक थी हमारी आज भी चौबीस हजार के करीब वोट है पंजाबी शहर का अब जो कम्युनिटी हमारे से ज़्यादा संख्या दिखा रही है उनके गांवों में वोट है यहाँ गांव का वोट नहीं पड़ना है अच्छा यहाँ सिर्फ शहर का वोट पड़ना है अगर विधानसभा की काउंटिंग करें तो वो ठीक है हो सकता है हमारे से आगे हो लेकिन अगर प्रॉपर शहर की और चेयरमैन शहर की करते हैं तो हम हम लोग काउंटिंग में सबसे आगे हैं ऐसा कुछ नहीं है कोई नज़दीक भी नहीं है हमारे इस जनसंख्या के उसमें अच्छा नज़दीक नहीं चौबीस हज़ार वोट आपको मानते शहर के अंदर चौबीस हजार वोट तो हैं लेकिन जिस दिन पोलिंग होती है ना उस दिन खिंड के करते हैं और जिस दिन एकता से पोलिंग करेंगे ना उस दिन नगर परिषद का जो चेयरमैन की सीट है वो पंजाबी बिरादरी के हक में अच्छा भाई साहब अहम सवाल है दोनों इस शहर के अंदर गड़ी गड़ी मोह पता है यो पाँच का और छः का रोड़ा मुद्दा किस वार्ड का है देखो ये मुद्दा लोगों ने बना दिया और ये लोगों ने जो बनाया उसका धरातल आठ नंबर वार्ड को लिया है इसलिए लोग बार बार उस पर उंगली उठा रहे हैं

नहीं एक बार क्या है देखो मैं बताता हूँ ऑफिशियली अनऑफिशियली कई चीजें रूमर में आती हैं अनऑफिशियली रूमर में आया था इसलिए लोगों ने मुद्दा बना दिया यानी अरोड़ा ने कहा कि वार्ड नंबर आठ का मुद्दा रहा जो वर्तमान के पार्षद थे उसके द्वारा खेल किया गया कहीं कही ना कहीं जनता कह रही मैंने कह रहा तो क्या मानते सत्य बात है मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था ये वार्ड बंदी जो भिवानी की होनी थी ये चंडीगढ़ में बैठ के हुई है पहले भाजपा के चहते लोगों के हिसाब से वो वार्ड बंदी हुई उसके बाद कहीं वो जजपा को रास नहीं आई तो जजपा वालों ने करवाई और जो सवाल आपका है वो सवाल ये है कि आज की धरातल की तस्वीर क्या है आज की दरातल की तस्वीर वो जो जजपा वालों ने अपने वार्ड ठीक करवाए तो वो जो जनसंख्या है वो वार्ड नंबर आठ में ज्यादा आ गई इसलिए अगर हम उसको टारगेट जो करते हैं वो इसलिए टारगेट में है कि पॉपुलेशन वो कहते हैं कि वहां ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन की बात तो तब आती कि जब वो पाँच के छः पॉपुलेशन के आधार पे हुए होते सरकार ने जो फार्मूला अपनाया है वो ऐसी समाज को कमज़ोर करने का अपनाया है इसमें कोई वो नहीं होता कि वार्डबंदी किस हिसाब से हुई है जनसंख्या का जब आधार लेना है आधार लेना और छः करने हैं तो छः करें ये सरासर सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं वो किस दबाव में हैं किस परिस्थिति में उन्होंने किया है बीजेपी वालों की बहुत बड़ी भूल है और इसका खमियाजा इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दो है और फिर भी बाहुल्ला कि बताओ <laughs> <तुने दीजा। laughs> करो देखो जीवन में कामयाब होने के लिए ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है अच्छा जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कर पाते ना वो, वो, वो आपकी वो वो, <laughs> तो आप, आप, आप इस कहा ने एक बात को और भी सिद्ध किया कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि बीजेपी वालों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो मेरे बड़े भाई आदरणीय अरोड़ा जी ने भी इस बात को मान लिया और मैं आज आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ

बनता था, उसके नाते मुझे टिकट मिली थी और पार्टी कहीं परिवार की वजह से टूटी उसका हर एक कैंडिडेट को भुगतना पड़ा था तो यहां तो 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 कोई तो यहाँ कोई समाज की बात नहीं थी और... तो आप तो। चेहरा तो मैं था चेहरा तो मैं था चेहरा तो मैं था लेकिन इन समाज वालों को यह नजर आता था कि हम एम एल की टिकट लेके आएंगे क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री खट्टर है इसलिए हमें टिकट मिल जाएगी अच्छा। ये गलत फहमी का शिकार थे और आज भी आपके सामने बाल 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 आपके साथ लागे अरे आज भी आपके सामने अरोड़ा साहब ने अब भी कहा कि जो हमने पीछे गलतियां की वो नहीं दोहराएंगे समय आने दो समय समय आने समय आने दो नायक साहब जब हमारे आदरणीय भाई साहब ही कह रहे हाथक खो दिया भाई साहब भाई साहब कई बार आया हुआ आपने खो दिया तो वो बात तो अरोड़ा जी ने कह दी की दोबारा उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे दोबारा सुन लो हाँ जी रोड़ो जी बताइए देखो मैं तो आपके माध्यम से एक मैसेज जरूर देना चाहता दे हूँ कि अगर एस समाज के साथ न्याय नहीं करते जी। तो हम लोग भी इनके साथ बगावत पर उतरेंगे और हम भी इस बिगुल को बजाएंगे सोशल मीडिया के आधार पर व्हाट्सएप के आधार पर और ट्विटर के हिसाब से तो इनके साथ न्याय होना चाहिए हम इनके साथ हैं ये बात ही स्ट्रॉन्ग बात की सुरेश अरोड़ा ने जो जो कहा वो स्ट्रॉन्ग बात में कहा क्योंकि नेता बना हैं और एक अगुवाई करते हैं चाहे चंडीगढ़ की हो चाहे दिल्ली की हो चाहे अब छोटी काशी की हो भाई बात कही अगर ऐसी समाज को न्याय नहीं मिलता तो सुरेश अरोड़ा व सुरेश अरोड़ा समाज उसके साथ में ही है बिल्कुल सौ परसेंट साथ में चलो लेकिन ए वो मजाक मजाक का इंटरव्यू गणेश यानी दो बार बो फिर भी भूखीस हो गए ये सार्थक बात आज सुरेश अरोड़ा ने करके बताई वार्ड नंबर आठ के लिए एमएलए जीबा छुट्टी पर गए कौन थे फिर अब झुनझुला ठाए अंडो बात पर वाइफ सोचा समझ में एमएलए भी आप आठ आठ चौक आप लोग आठ हटाओ थे चाहे नए बस स्टैंड की बात हो चाहे मैम गेट की बात हो चाहे कितनी की बात हो निडद के मैं मैंने, मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंटेशन जो होती है ना सारा हमेशा उसका भुगता जाता है प्रेजेंटेशन अगर हमारी बढ़िया रहेगी तो हमें टिकट हमारी कोई नहीं काट सकता हम लोग ढंग से प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाएंगे तो हाई हाईकमान की नॉलेज में नहीं आता कि कौन सशक्त है कौन कमजोर है कौन ताकत तो है ये प्रेजेंटेशन पे है तो कह सकते हैं कि बिखरा बिखरा समाज है ना ऐसा मैं नहीं कह सकता है, हमारा है, समाज का प्रेजेंटेशन भी साफ को नहीं है इकट्ठे नहीं है सारे काम शुरू से बात तो मारे को आप तो जीका है ये बात नहीं, बात रहमान नहीं है कट्टे भी हो सारे काम हो इकट्ठे मनो भी को नहीं और फिर प्रेजेंटेशन भी को नहीं आपकी हम सशक्त हैं इकट्ठे हैं और एकतरफा ही हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज भी कहता हूं कि मैं फिर वाले सवाल लूंगा एकतरफा वार्ड टिकट है एमएलए टिकट ले जाओ यार मान बात थे। थे। बात मैं इस बात लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं करने आए इनको नए खिलाड़ी थे ये लोग अच्छा हाँ। तो अब की अरोड़ा के का ने के अंदर, हर बाजार, हर की रही है। हो चाहे भाजपा के दिग्गज चेहरे हो देखो लीडरशिप समाज है ये समाज में जुड़ के रहना हमारा कर्तव्य है पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात होती है दूसरी बात ये है कि हम जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसको हाईकमान किसी हालत तो में भी मना नहीं कर सकता हंड्रेड परसेंट पंजाबी बरादरी को टिकट देगा वो अच्छा लगता नहीं कि लास्ट दोनों से लगता नहीं कि जो अब की बारी छः के पाँच पाँच के छ होंगे ये ब्रिडमच अच्छा हाथ मान लिया ये तो इनको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो छः के पाँच की है इसका तो खमियाजा भुगतेंगे मैं आज आपको एक नई बात और बता देता ये जो बारी बारी आप एक ही पार्टी का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी नहीं, नहीं कोई बात नहीं आपकी नजर में नहीं है आपको एक बात और थोड़ा पीछे ले जाऊंगा तो बीजेपी की भी मात्र पूरे हरियाणा में दो एम एल तो है कोई बात नहीं ये चालीस भी हैं ये चार भी होंगे इनका तो समय रहते इलाज होगा आज चाहे आपको नजर आ रहे हो ये व्यक्ति टिकट मांग रहे हैं ये सात मांग रहे हैं मैं आपके चैनल से सीधा कहना चाहता हूँ

आप आप से दिक्कत लोग लेंगे मैं आपसे आप एक, एक सवाल करता हूं आप मेरे से करता हूं मैं आपसे करता हूं आप कभी जीवन में एंकरिंग की सलाह किससे लोगे जो आ, फेल हो चुका है या पास हो चुका है मुझे पास हो, हो उसके लिए सर सभी पास हो होगी लेते हैं सीनियर की मेच्योर की, मैचौर की। अभी ये भी नया खिलाड़ी है इसको भी जमीन में आया ऐसा नहीं है कि ये आदमी सामाजिक तौर से फेल है बहुत बढ़िया आदमी है इसकी जो छवि है बढ़िया है लेकिन लोग जो है कमजोरी इसकी सिर्फ ये है कि इसकी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते हमारे वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये इसकी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते पार्टी को ऑप्शन नहीं करते एक्सेप्ट नहीं करते, अस, करते हाँ, अपनाते नहीं है हाँ, बस वरना इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है आज भी तो लाख रुपए के रूपए अनिल काटपालिया अनिल ही आपके समाज के अंदर बिल्कुल इसमें इसमें कोई में में गलत गोद बैठे हैं एक्सेप्ट नहीं हो रही वो पार्टी वो इस अनिल काटपालिया अब की बार कहे निर्दलीय तैयारी करें तो इस तरह अब आपके समाज के निर्दलीय तैयारी करेंगे उनका रोजाना का वैसे पाँच बजे आपको टिकट नहीं मिलती और निर्दलीय कोई आओगा वो कह दे दम पता तो निर्दली चलो लड़ूंगा लड़ूंगी तो चौबीस हज़ार वोट इकट्ठा पड़ जाएगा कि फिर वो बटाए वो भी मैं और किसी को तो कहता नील काट पाले नहीं लड़ता तो इसको कोई हरा नहीं सकता मैं गारंटी देता हूँ इस बात की ये तो दवा कर बैठे भैन में सारी मेरी कितने कितने लड़े निर्दलीय अगर इसकी पार्टी इसको अलाउ करती तो लड़े निर्दलीय लड़ने के लिए सात गुना ताकत चाहिए पार्टी के साथ फायदा ये होता है कि पार्टी का वर्कर मिल जाता है हर बूथ पे वर्कर मिल जाता है और पार्टी की मदद पार्टी के अलग होती है तो निर्दलीय लड़ने के लिए ना बहुत मान सकते हैं कि सुरेश अरोड़ा के निका चार नेता हो गए हैं है? चार नेता हो गए हैं तीन तो बला थे एक तो था निर्दलीय तैयारी करेगा तो मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल में हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल में ही रहूंगा और जहाँ तक आप कह रहे हो चौथा नेता मैं तो अरोड़ा साहब का छोटा भाई हूँ और सदैव भाई बन के रहूंगा और जहाँ तक बात अरोड़ा जी ने कही कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लोग नहीं अपनाते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सदैव हमारे समाज के भलाई के जितने भी काम किए हैं वो अरोड़ा साहब के भी नॉलेज में हैं और जहाँ तक जीती जागती आज भी तस्वीर के रूप में शहीद मदन लाल ढिंगड़ा जी का स्टैचू है वो भी उसी सरकार में लगा हुआ है और जब मुझे पार्षद बनाया गया तो यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर हमने इन्हीं के आशीर्वाद से और विजय पचगामा जी के सहयोग से यहाँ बनाने का काम किया जिसमें मेरे से भी ज़्यादा अहम रोल आदरणीय अरोड़ा जी का था वो आज भी आपके सामने साक्षात है इसमें इसमें नहीं मजाक नहीं है ये ये मजाक नहीं है ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये दुनिया देखेगी ये इस धरातल की सच्चाई है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में किसी समाज का स्टैचू लगा तो इन्हीं की बदौलत शहीद मदन लाल डिंगड़ा का स्टैचू लगे हुआ है और इन्हीं की बदौलत जब विजय पचगामा जी को इन्होंने चेयरमैन बनाया और मुझे पार्षद बनाया तो यहाँ शहीद मदन लाल डिंगड़ा का कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया और मैं आपके सामने आरो अरोड़ा जी के सामने एक बात फिर कहता हूँ कि जिस दिन आपने कलम की ताकत दी उस दिन दिखाएंगे कि छत्तीस बिरादरी को एक माड़ा में कैसे पिरोया जाता है और कैसे भिवाणी का विकास किया जाता है ये समय आनी जानी चीज़ है और इस समय हर एक चीज़ को बदलता है तो कभी ना कभी इंडियन नेशनल लोकदल का समय भी बदलेगा और भिवाणी जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती थी उसी रूप में चार चारों तरफ दरवाजे लगे होंगे और विकास की गति मिलेगी भिवाणी शहर थैंक भाई आया था चाह और दोनों बड़े भाई हैं अनिल में जी मेरे तो क्लासमेट हैं और शुरू भैस से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है राजनीतिक हो छोटी काशी के अंदर हो तो मजाक मजाक में इंटरव्यू था लेकिन कुछ सार्थक बातें ऐसी निकली समाज के अंदर से भी और इन लो पार्टी की भी जो सार्थक बात छोटी काशी सार्थक बनती देखी जा सकती है जे एन सी न्यूज़ से अजय नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट